तो ये है साई, साई मांजरेकर, दबंग, यस दबंग, यस। ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग थ्री में, इनके फादर दबंग वन में थे और बेटी है दबंग थ्री में। जी बहुत अच्छा है, घर के बहुत ही नज़दीक है, पास है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत दूर उड़ के जाना पड़ता था आईफा में परफॉर्म करने के लिए। सबको सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं है। अभी भी घबराहट होती है परफॉर्म करने में, अभी बहुत घबराहट होती है परफॉर्म करने में। जो परफॉर्मेंस जिसके लिए एक्साइटेड था वो कैटरीना कैफ का परफॉर्मेंस था, वो देख चुका हूँ और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। जी 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 हाँ जी हाँ, लोगों ने उस पोस्टर को काफ़ी पसंद किया है। आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हियर, इनके वजह से ही मैं यहाँ पे आ सकी हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। यू नो स्ट्रेंज थिंग इज दैट कुछ सालों पहले, बहुत सारे सालों पहले, सोनाक्षी भी आईफा में ही इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन अ रैंप एंड टुडे इट्स या जी उसी तरह से बुलंदियां पाई थी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। जी अभी इंशाल्लाह नहीं बन रही है, इंशाल्लाह कुछ और बनेगी, मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी। जी हाँ, उसका एक डिजिटल क्या पिक्चर या टीज़र जो भी है वो आ चुका है और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है, तो अभी आते रहेगा और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ है, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो अब आप इनको भी अभी टीवी पे और सोशल मीडिया और पर्दे पर देखोगे, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जी हाँ, अभी हो जाएगी बिग बॉस की शुरुआत, बिग बॉस सीज़न 13 डन। हाँ, ईद पर आएगी पिक्चर, ज़रूर आएगी पिक्चर, ज़रूर आएगी। अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को, उसके बाद ईद पर भी आएगी। कम